प्यारे बच्चों, क्लास 9th की कला की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आप लोगों की डिमांड पर एक ये वीडियो बनाया गया है। आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो ये कला की बुक है, आलेखन कला की, तो मैम इसका फुल वीडियो आप बनाइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ बच्चों। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आलेखन कला की जो बुक है वो कैसी है हमारी। देखिए बच्चों, ये आपकी जो बुक है वो राजीव प्रकाशन की बुक है, और इसमें जो है फ्रंट पेज यानी जो पहला पेज है उस पे दिया गया है कि आपका जो है वो सिलेबस क्या है, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित जो है नवीनतम पाठ्यक्रम आपका कैसा है, और जो आपका 9th क्लास का पेपर होना है वो किस तरीके से होना है, उसके कौन कौन से खंड है। इसका अलग से भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है बच्चों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें आपको किस तरीके से पेपर आना है उसको समझाया गया अच्छे तरीके से। जो इसका दूसरा पृष्ठ है इस तरफ वाला, इसमें जो है वो कला, चित्रकला एवं आलेखन के बारे में बताया गया है। आलेखन कितने प्रकार का होता है इसको भी बताया गया है आपको, इसका भी वीडियो बनाया जा चुका है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज बच्चों, इसमें जो है आपकी आलेखन की जो इकाई है उसकी आवृत्ति को किस तरीके से ट्रस्ट करना है उसकी विधि बताई गई है, और रंगों का ज्ञान व महत्व भी इसमें जो है बताया गया है कि रंग किस तरीके के होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग होते हैं, और इनके बारे में विरोधी या विपरीत रंगों के बारे में भी बताया गया है, इनके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पेज में बच्चों देखिए कि ये यहाँ पर आलेखन में जो रंग हम कैसे भरेंगे, क्या सावधानियाँ रखनी है ना, वो उसके बारे में बताया गया कि हमें कैसे रंग भरते समय क्या सावधानियाँ रखनी है और आलेखन बनाते समय हमें क्या सावधानियाँ रखनी है। तो इसके बाद जो है ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज है बच्चों, यहाँ पर ये हमें आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक आलेखन में प्रयोग होने वाले फूल, पत्ती व कली की जो आकृतियाँ हैं इसको जो है वो बताया गया है कि इसमें जो है इस तरीके से आपको पत्तियाँ कलियाँ ये जो है बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा, उसमें भी ये सब बताया गया है कि किस फूल की कैसी पत्तियाँ होती हैं। इसमें बच्चों गुड़हल का फूल इम्पॉर्टेंट है, इसकी अलग से जो है वीडियो क्लासेस है, तो कैसे बनाना है, कैसे पत्तियों को बनाना है, कलर करना है, इसको आप जाके मेरे वीडियो चैनल, मेरे वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है कभी कभी आ जाता है कि कमल के फूल के साथ मछली का आलेखन या बतख का आलेखन, तो इसका भी जो है प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है। तो ये भी आपको बताया गया है कि पशु पक्षियों की जो आकृतियाँ हैं वो कैसे बनाएं हम, हिरण का आलेखन, और इसके अलावा जो है जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको किस तरीके से भरना है, अलग अलग ये डिज़ाइनें जो है बना करके आप अपने आलेखन को सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद जो है कमल का फूल कैसे बनाना है, गुलाब का फूल कैसे बनाना है, कनेर का फूल, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है बच्चों, हाँ तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसकी भी वीडियो क्लासेस, ये सारा जो है कोर्स आपको कराया जा चुके हैं, इसकी अलग अलग वीडियो क्लास है, कहाँ पर कैसे रंग भरना है, कैसे कलर का प्रयोग करना है, तो वो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों ये देखिए, यहाँ पर गुड़हल का फूल और ये है सूरजमुखी का फूल, ये नेक्स्ट पेज पर बताया गया है, और ये भी जो है वो खिली हुई कली और पत्तियों को बनाने की विधियों को बताया गया, और ये डिज़ाइन को कैसे बनाना है, कैसे कलर करना है, ये भी बताया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे बच्चों वर्ग जो है, वर्ग में कमल के फूल, पत्ती, कलियों और तोते का संयोजन से जो है वस्त्र में छपाई करने के लिए ये जो डिज़ाइन है वो बनी हुई है ना, और एक आयत बना हुआ है इसमें सूरजमुखी का फूल, और उस पर आधारित किनारी जो है हम बना सकते हैं, ये दिख रही होगी, ये नेक्स्ट पेज है हमारे बुक का। तो इस तरीके से आप जो है जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। इसमें आयत में बनाया गया है गुलाब का फूल, ठीक है, और ये गुड़हल का फूल, कली पत्ती, इसके द्वारा डिज़ाइन बनाई गई है। नेक्स्ट पेज पे बच्चों यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है वो आयत ही है, और आयत में कमल का फूल, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल, ठीक है, कमल, गुड़हल और गुलाब के फूल में जो है वो डिज़ाइन बताई गई है। इसके बाद जब ये आयत ही है तो इसमें आयत में कमल का फूल, मछली के साथ जो है और पत्तियां, कलियों के द्वारा डिज़ाइन को बताया गया है, और साथ ही यहाँ पर सूरजमुखी के फूल के साथ में डिज़ाइन को बताया गया है। तो आप इनको जो है वो बुक के माध्यम से जो है देख के बना सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट पेज पे जो है वो वर्ग है, वर्गाकार आकृति कैसी होती है, जिसकी चारों भुजाएं बच्चों बराबर होती हैं, और आयत में आमने सामने की भुजाएं, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये अगर वर्ग की आकृति आएगी तो आपको वर्ग बनाना है, और अगर आयत आएगा तो आयत बनाना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, चित्र आपका 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ डिज़ाइनें दी गई हैं जिसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे,
जो इसका नेक्स्ट पेज है बच्चों बुक का, तो इसमें देखिए इसमें ये तो बना तो वैसे मेन बेसिकली वर्ग है, लेकिन उसमें जो है अंदर एक त्रिभुज भी बनाया गया है और उसमें है जो डिज़ाइन को बनाया गया है, और इसमें कमल का फूल और मछली बनाई गई है, और किस तरीके से बनाया गया है, कितना सुंदर आलेखन लग रहा है, और साथ में जो है वो साइड में जो है वो गुलाब के फूल भी दर्शाए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे कमल के फूल का एक और आलेखन आपको मिल रहा है। ये प्रैक्टिस के लिए बच्चों आपके बुक में दिए गए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या डिज़ाइन है उसमें बना सकते हैं। यहाँ देखिए अब जो ये आलेखन बन के आ रहा होगा आप ये देख रहे होंगे कि जैसा इस तरफ वाला भाग है वैसा ही दूसरी तरफ वाला पार्ट है, तो इसको भी जो है जब आप बनाएंगे तो इसके लिए आपको ट्रेस पेपर का उपयोग करना है, बटर पेपर का यूज़ करना है, जिसकी वीडियो जो आपको वीडियो क्लासेस में बताया जा चुका है वह समझाया जा चुका है। यहाँ पर फिश है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर गुड़हल व सूरजमुखी के फूल जो है वो उनका लेखन बताया गया है आयत में, और उनमें कलर भी बताया गया है कि किस तरीके से हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आपको पीला व हरा दो सपाट रंगों का प्रयोग करके जो है कलर करना बताया गया है इस वाले में। ठीक, और इस तरीके से इसमें लाल व हरे का प्रयोग करके बताया गया है कि हमें आलेखन किस तरीके से बनाना है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको कमल का डहलिए का फूल जो है वो आलेखन बताया गया है, और इसमें नारंगी बैगनी पीला नारंगी तथा नीला हरा दो सपाट रंगों में सफ़ेद रंग की मात्रा कम या ज़्यादा करके जो है हमें बनाना बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे बच्चों ये जो आपका नेक्स्ट पेज है इस पे जो है वो कमल का फूल पत्ती कली पर आधारित जो है आलेखन भूरे गुलाबी व हरे रंग की मात्रा जो है कम या अधिक करके बताया गया है। तो इसके बाद में यहाँ पर एक ब्लैक जो है ये जो बेस बनाया गया है वो ब्लैक पे किस तरीके से हम आलेखन बनाएंगे कमल का फूल, और इसका इसको थोड़ा सा सावधानी रख के बनाना पड़ता है, मगर ये लुक में बहुत सुंदर लगता है। अगर आप जो है बेस जो कलर करने के लिए आता है तो उसमें आप जो है वो जनरली हम लाइट कलर का प्रयोग करते हैं, मगर जब डार्क कलर में ज़्यादातर ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता है तो इसमें भी आलेखन बड़ा सुंदर बन के आता है, तो ये भी आप बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए सूरजमुखी दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आयत में दिया हुआ है, कमल का फूल का डिज़ाइन दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये गुलाब का फूल दिया हुआ है। आप मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आप इसमें वीडियो में देखिए कि आपके बुक में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो देख करके इसको बना सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में चित्र। ठीक है, ये देखिए ये गुलाब का फूल है एक, और ये कमल का फूल का आलेखन है, यहाँ पे गुड़हल का फूल बनाया गया है, किस तरीके से हम आलेखन बना सकते हैं और उसमें जो है रंगों का प्रयोग करके और कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक ये दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा आयत में जो ये आयत बना हुआ है, ये तो वैसे आकृति वर्गाकार दिख रही है, तो वर्ग में जो है सूरजमुखी के फूल पर आधारित आलेखन है, पीला कत्थई और सफ़ेद रंग से मिलकर के बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए गुलाब तथा गुड़हल का फूल बनाया गया है ना? और इसमें जो है दो सपाट रंग का प्रयोग करके और उसमें सफ़ेद रंग को मिला करके इसमें कलर किया गया है। नेक्स्ट जो है बच्चों ये देखिए डहलिया व सूरजमुखी का फूल का आलेखन है, तो ये डहलिया हो गया और ये क्या है हमारा सूरजमुखी के फूल का आलेखन जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है वो फिर से गुलाब और उसकी कलियां, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जब गुलाब का फूल बनाते हैं उसमें पत्तियां कोई और बना देते हैं, तो उसमें आपको कमल के फूल की पत्तियां या कोई और पत्तियां नहीं बनानी है, गुलाब के फूल में जैसी पत्तियां होती हैं वैसे इसमें तो ऐसे सीधे सीधे बनाया गया, मगर इसकी जगह पर आप ऐसी पत्तियां बनाइएगा, गुलाब के फूल की पत्तियां ऐसे किनारे से साइड से थोड़ा कटी कटी होती है, तो ये वाला आपका सही है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट में जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइन या अल्पना जैसा बनाया गया है, और इसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग करके बनाया गया है, इसमें जो है नीला और मेहरून दो सपाट रंगों का प्रयोग करके बनाया गया है। और नेक्स्ट पेज पे बच्चों ये जीनिया व पीला कनेर के फूल जो है वो बनाए गए हैं और उस पर सुंदर आलेखन बनाया गया है, किस फूल की पत्तियाँ कैसी होती हैं इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, कनेर का फूल है तो आपको ऐसी ही लंबी पत्तियाँ बनानी है, और कलर करने का तरीका जो है वीडियो क्लासेस में पहले ही बताया जा चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो पेज आपका बुक का है ये वाला, देखिए इसमें भी एक सुंदर सा आलेखन दिख रहा होगा जिसमें आयत में जो है वो आलेखन बनाया गया है, अलंकारी का आलेखन बनाया गया हुआ, और इसमें भूरे पीले हरे और आसमानी रंगों का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर डिज़ाइन भी बताई गई है कि कैसे हम इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनों को बना सकते हैं, कुछ डिज़ाइनें दी गई हैं यहाँ देख सकते हैं आप उसको।
फिर नेक्स्ट पेज पे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे देखिए ये आयत है और वर्ग में डिज़ाइन बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसी तरीके से गुलाब का फूल और पत्तियां बताई गई हैं, ठीक है। तो ये आपको बनाना है और इसमें इन विशेष टेक्सटाइल डिज़ाइनों में ये है, आलेखन में क्या बताया गया है कि आधा हिस्सा जो है बच्चों एक बनाना है आपको, दूसरा हिस्सा जो है इसके बाद आधा हिस्सा यहाँ पर आपको वो एक बटर पेपर जो कि ये दिया हुआ है बच्चों, ऐसे ये बटर पेपर है तो इसकी सहायता से आपको बनाना है जितनी भी डिज़ाइन है, तो हाफ आपको बनाना है। और कैसे इसमें बनाना है इसके वीडियो जो है दिखाए जा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें आधे में आधा डिज़ाइन आपको बनाना, सेम वैसे ही आधा डिज़ाइन दूसरी तरफ आपको मिलेगा, तो उसको जो है यहाँ पर उसका आलेखन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज जो है वो आपका बुक का ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये जो बुक के आपके पेज दिए हुए हैं मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, वैसे डिज़ाइनों का प्रयोग कर सकते हैं आप और इसकी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों कि आकृति जो दी गई है, वर्ग दिया है कि आयत दिया है कि वृत्त दिया है, उसको ध्यान रखते हुए आपको उस आलेखन करना है, ठीक है। और डिज़ाइन जो है वो आप अपने मन से बना सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पत्तियों का ध्यान रखिएगा कि किस फूल के साथ कौन सी पत्तियाँ बनेंगी, ठीक। तो ये आपको दिख रही होंगी बुक के सारे पेज में एक बार पलट दिखा दे रही हूं ताकि आप देख लीजिए कि आपके बुक के सारे पेज में क्या क्या है, ये देखिए, ठीक है। तो ये पूरी डिजाइन हो गई, यहां पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है कि इसका लेखन जो है यहां पर आपको बनाने के लिए दिया हुआ है बच्चों, और यहां पर भी एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसके बाद यहां पर लास्ट में जो है पेज पे आपका जो है वो क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है, उसका क्या सिलेबस है और उसमें कुछ प्रोजेक्ट भी दिए गए हैं कि आलेखन में आपको कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं, 2-3 प्रोजेक्ट दिए गए हैं और आपकी मैम जो बनाएंगी प्रोजेक्ट वो आपको बना करके उसकी फाइल जो है वो जमा करनी है। 3 प्रोजेक्ट आपको बनाने होंगे। तो ये तो केवल आलेखन कला के प्रोजेक्ट हैं और इसके अलावा जो है आपकी दूसरी किताब चलती है स्मृति चित्रण वाली, नहीं सॉरी, मानव आकृति वाली जो बुक है, 9th क्लास में मानव आकृति की बुक है बच्चों, तो उस पर भी आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी बुक थी। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो क्लासेस हैं वो एकदम निःशुल्क है, फ्री में है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।